आपने जो देखा है अब तक का वो तांडव नहीं था, आपको पहले बोल दूं, आपने जो देखा है ना वो तांडव नहीं था। असली तांडव आप देखोगे अगले 8 सालों में। जिस किसी को आगे लग रहा होगा कि 2024 2025 में सब खत्म हो जाएगा, भाई साहब 2023 24 के बाद में 10.10 और 10 के आगे का 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आपको नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल क्या, जैसे आज 4 और 5 रिक्टर स्केल का भूकंप नॉर्मल लगता है ना, कुछ नहीं होता, वैसे ही आपको 10 और 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आपको नॉर्मल लगने वाला है। असली भूकंप जो रहेंगे वो 16 और 18 रिक्टर स्केल के आएंगे, जहाँ पे जमीन फटेगी। क्या, जहाँ पे जमीन फटेगी, आपके आंखों के सामने जमीन फटेगी। कई सारे एरियाज, मैंने आपको कहा ये फोर्थ डायमेंशन चल रहा है, पृथ्वी जो है अपने फोर्थ डायमेंशन में है, वो अपना रूप चेंज कर रही है। अब वो इस डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन में से फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है। एक ग्रुप का मैंने नाम बोला था आपको, वो ग्रुप अगर आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि वहां पे हमारी बदनामी हो रही है, हमें बदनाम किया जा रहा है और आप लोग बैठ के तमाशा देख रहे हो, तो आप भी उसी पाप के भागीदार हो। बाद में बोलना मत कि भगवान मेरे ऊपर कैसे का तांडव हो गया, क्योंकि आप लोगों ने उस पापियों का साथ दिया। तो मैंने कहा ना, आपको भले लग रहा है कि आप आपके डिवाइन के साथ मैनेजमेंट कर लेंगे, मगर मैंने कहा है हम नहीं होने देंगे, हम बिल्कुल हिसाब करवाएंगे, आपके कर्मों का हिसाब बिल्कुल करवाएंगे। आप वहां पे बैठ के हमें गालियां दे रहे, हमारी बदनामी कर रहे हैं और आप वहां पे बैठ के तमाशा देख रहे हो। आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, जिंदगी में किसी को गुरु माना होगा ना, तो वो सिर्फ मानना और उसको तहे दिल से जानना, ये दो अलग चीजें हैं। कमेंट कोई भी नहीं पढ़ने वाला हूं मैं, और नेगेटिव कमेंट करने वालों को मेरी एक वार्निंग है, ब्लॉक कर डालूंगा मैं जगह पे ही। प्यार भरी बातें, आओ आओ बैठो बैठो, ये हमसे नहीं होता है भाई साहब, जो सच्चाई है बोल देते हैं, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। क्या, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, दवा हमेशा कड़वी होती है, मीठी दवा नहीं रहती है, दवा कड़वी रहती है। और डॉक्टर काउंसलिंग हमें अच्छे से आती है, हम बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। आपको माहौल देखना कैसा है आज का औरंगाबाद का, आज का माहौल देख लीजिए, एकदम एकदम ऐसा है कि भाई साहब दिन में रात हो गई है, दिन में रात हो गई है। और सच में बोलूं मैं, वो जो पैराशूट का तेल आता है ना, वो तक जम गया है मेरे घर का। आज सुबह जब मैं लगा रहा था बालों को, वो तेल तक जम गया है, जैसे ठंडी के दिनों में, ठंडी के शुरुआत के दिनों में जम जाता है ना, वैसा जम गया था। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, सडन टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। ओके, अभी आपको रास्ता दिखाता हूं औरंगाबाद का, ये रास्ता देखो औरंगाबाद का, विकास देखने का है ना, विकास, ये देखो विकास, औरंगाबाद का विकास, शिवसेना के बागी उम्मीदवार, बागी विकास, ऐसे गलियों में नालों में ऐसा बह रहा है, ये है हर औरंगाबाद का विकास। एमएलए बागी एमएलए संजय सिरसाट का विकास देखो आप, क्या मुंबई पुणे के रास्ते दिखाते, गड्ढे दिखाते, ये देखो ना, ये देखो गड्ढा, गड्ढा देखना, ये देखो ये गड्ढा,
डाल नहीं सकता भाई, गाड़ी कम बढ़ जाएगी। देखो विकास, ये भर भर के मोदी जी ने विकास दिया है औरंगाबाद को, भर भर के ये मोदी जी का विकास है। बह गया गुजरात, गुजरात बह गया। वापी में 609 मिलीमीटर बरसात हुई, बह गया गुजरात। ये देखो विकास। अरे ये देखो, अब उसको पता नहीं हो कार वाले को कि वो साइड पे गड्ढा है, वो डालेगा वहां से। मैं क्या रेगुलर जाता हूँ यहाँ से, मेरे को पता है लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे गड्ढा नहीं है, कम साइज का है। देख बराबर लेफ्ट साइड में आया हूँ, उसको पता है कि आगे गड्ढा है वहाँ पे। अब जो है ये जाएगा उस पानी में, अब हम नहीं जाएंगे पानी में, हम मारेंगे यहाँ से लेफ्ट। हम जाएंगे साइड बाय, तो ये है विकास औरंगाबाद का। ये विकास के ऊपर बीजेपी चुन के आ रही है, इस विकास के ऊपर फडणवीस बोल रहा है मैं आने वाला हूं, मैं आऊंगा, मी येणार, मी येणार। कशाला काशी करायला या असल्या रस्त्याची, काय गेलो काय उखडलं 5 वर्ष, नको येऊ बाबा तू, नको येऊ, आणि चुते तुला आणून देणार आहे बाबा। पा विकास, औरंगाबादचा विकास या, देख लो औरंगाबाद का। जो कार मेरे साथ बाजू से निकली थी, मेरे आगे थी, वो अभी भी मेरे पीछे है। और ये आगे हम फिर से मेन रोड पे, और ये है विकास लाइव कमेंट्री डॉक्टर जगदाल की तरफ से। और इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 2020 में इलेक्शन लड़ा था विधान परिषद का, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। चलो रास्ता भी, गाड़ी के 12 बज गए मेरे। वो जो कार मेरे पीछे आगे थी वो अभी मेरे पीछे है, तो मैं उसके सामने आ गया। ये है विकास, अगर आप मेन रोड से जाओगे तो आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। ये है औरंगाबाद का मोदी का गुजरात मॉडल जो फडणवीस ने यहाँ पे लागू किया था।